रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और पूरे 33 करोड़ गैस कनेक्शंस जिनके पास भी हैं एलपीजी के, उनको 200 रुपए की सब्सिडी दी है। उसके पहले जो उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरी हैं लगभग 10 करोड़ लोग, उनको 400 रुपए की सब्सिडी पहले भी केंद्र सरकार दे चुकी है। इनको उज्ज्वला योजना वाले लोगों को सभी को फ्री गैस कनेक्शन, उसके साथ ही चूल्हा भी निःशुल्क रूप से प्रोवाइड करने का महत्वपूर्ण काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अगर पिछले 9 वर्ष का कार्य हम देखें मोदी जी का, चाहे 2014 में जब जनधन अकाउंट की घोषणा उन्होंने लाल किले से की थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी फाइनेंशियल इंक्लूजन की। अगर महिलाओं का अपना बैंक अकाउंट होगा, महिलाओं का अगर उसमें व्यापार वगैरह में उसमें भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त करने का बहुत महत्वपूर्ण पहल प्रधानमंत्री जी के पूरे उस विजन के अंतर्गत था। और उसके बाद अब जब लगभग 40-45 करोड़ बैंक अकाउंट पूरे देश में खुल गए हैं, उसमें ज्यादातर महिलाओं के अकाउंट खुले हुए, और उस अकाउंट के साथ जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की जो जो भी योजनाएं जन कल्याणकारी, उन सब योजनाओं में महिलाओं को बहुत मजबूती से उनको सहायता मिल रही है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए देने की बात हो, उसमें जो मकान है वह घर की महिला के नाम पे रजिस्ट्री होती है। चाहे आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसमें भी ज्यादातर बेनिफिशियरीज महिलाएं हैं। और 2015 के आसपास जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की प्रधानमंत्री जी ने, उसका भी उद्देश्य यह था कि जो इज्जत घर बनेगा, महिलाओं को जिस तरह से शौचालय के लिए अपना अपमान सहना पड़ता है खुले में जाने के कारण, जिस तरह का उनको रिस्क रहता है, उस सब को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत अभियान की योजना का प्रधानमंत्री ने आगाज किया था। और उसमें भी लगभग 11-12 करोड़ शौचालय इज्जत घर के नाम से पूरे देश में अब बन चुके हैं। अगर हम देखें कि अभी हर घर जल योजना 2019 में प्रधानमंत्री जी ने लागू की है, उसके अंतर्गत भी जो महिलाओं का बहुत बड़ा समय जो है वह घर की आवश्यकताओं के लिए, पीने के पानी को प्राप्त करने के लिए, घर के विभिन्न कार्यों के लिए पानी की जो आवश्यकता उसको पूर्ति करने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, समय लगाना पड़ता था। प्रधानमंत्री का उद्देश्य था अगर हर घर नल के द्वारा जल पहुंचाएगा तो महिला जो जनसंख्या है अपनी, वह उनका बहुत समय बचेगा, उनको प्रोडक्टिव यूज में उनका समय लग पाएगा। और स्टैंड अप इंडिया की योजना ने उसमें भी महिलाओं को उनके रोजगार परक समस्याओं के लिए, समाधान के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। अब ट्रिपल तलाक की बात हम करें तो उसमें भी मुस्लिम महिला बहनों को जिस तरह से 3 तलाक की जो त्रासदी है उससे उन्होंने निकालने का बहुत बड़ा योगदान किया है। तो अगर 2014 से जनधन अकाउंट, स्टैंड अप इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, हर घर जल, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना के अंदर गैस कनेक्शन, उसके बाद उसके ऊपर 400 रुपए की सब्सिडी, निशुल्क गैस कनेक्शन, निशुल्क चूल्हा का प्रोविजन और 3 तलाक जैसे महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री जी ने देश की महिला शक्ति को ध्यान में रखते हुए किया है। और उनका मानना है कि हमारे देश की जब तक 50% जनसंख्या महिलाओं के रूप में उनका सशक्तिकरण नहीं होगा, वह आगे से आर्थिक उसका इंक्लूजन नहीं होगा, तब तक देश पूरी तरह प्रगति के रास्ते पे तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक महिला अगर सशक्त होती है तो आर्थिक रूप से, एजुकेशन के रूप में और सामाजिक प्रतिबद्धताओं के रूप में, समाज में उसके स्थान के रूप में, रोजगार परक योजनाओं के अंतर्गत तो पूरा परिवार मजबूत होता है। तो मैं इस रक्षाबंधन के उत्सव में पुनः इस बात को सबके सामने मजबूती से रखना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की 9 साल की योजनाओं में महिला सशक्तिकरण एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहा है और ग्राउंड लेवल पे उन्होंने उसे इम्प्लीमेंट किया है।